दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत योजना कार्ड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लेबर कार्डधारी हैं उन सभी का भी यहाँ पर आयुष्मान कार्ड यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक न्यू पोर्टल में यहाँ पर जितने भी लेबर कार्डधारी हैं उन सभी का यहाँ पर आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने का यहाँ पर नया ऑप्शन को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ वह कौन सा पोर्टल है, उस पोर्टल से आपको कैसे यहाँ पर सभी लेबर कार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करिएगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी यहाँ पर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लेबर कार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है या कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप कर देना है सेतु, ये आपको टाइप कर देना है setu.pmjy.gov.in। ये आपको यहाँ पर टाइप करके आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। चलिए यहाँ पर टाइप करके हम सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाए। तो आपको फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं तीर का निशान शो करे तो इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर शो कर रहा है डेस्कटॉप साइट तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका लैपटॉप वर्जन में यहाँ पर डेस्कटॉप साइट वर्जन में ऊपर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पर आपको थ्री लाइन शो कर रहा है तो थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर और साइन इन कर रहा है, साइन इन बोल रहे तो आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो हम चलिए साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है साइन इन करने के लिए यहाँ पर एन ओ टी पी विल बी सेंट। यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल जो आप यहाँ पर जब रजिस्टर किए होंगे जो एक मोबाइल नंबर डाले होंगे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। रजिस्टर कैसे करना है उसका यहाँ पर ऑलरेडी हम वीडियो बना दिए, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या आई बटन आपको यहाँ दे देंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमको देख लेना कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर चलिए जो रजिस्ट्रेशन बॉक्स जो मोबाइल नंबर डालिएगा वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर इस तरह का आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा। फिर आपको वेरीफाई पे कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल ओ टी पी ऑथिकेशन आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आप रजिस्ट्रेशन वक्त डाल दिए हैं वही मोबाइल नंबर ओ टी पी आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओ टी पी आ चुका है, हम चलिए यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओ टी पी यहाँ पर फिल कर चुके हैं। फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओ टी पी हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पर ओके पे टिक कर देना है। तो ओके पे टिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओपन देख यहाँ पर देख सकते हैं लोडिंग ले रहा, चलिए यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, आपका फोटो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं थ्री लाइन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड एंड डिलीवर है आयुष्मान कार्ड, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड स्टेट स्कीम आयुष्मान कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है डाउनलोड स्टेट स्कीम आयुष्मान कार्ड यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा है आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट में यहाँ पर इस पर क्लिक करके अपना स्टेट सेलेक्ट कर ले, स्टेट सेलेक्ट कर लेना आपका कौन सा स्टेट है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में जितना भी भारत में जितना भी स्टेट है वो पूरा स्टेट शो करा है। चलिए यहाँ पर हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका कौन सा स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं सेलेक्ट स्कीम, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कि लेबर कार्ड जिसका भी बना है वही यहाँ पर देख सकते हैं BOCW यहाँ पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। यहाँ पर सिर्फ यहाँ से आप लेबर कार्ड जिसका बना है उसी का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। फिर आपको बोल रहा है आया आधार, तो इस पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। तो आधार नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं बोलता है यहाँ पर OTP, अगर आपके आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है तो गेट OTP कीजिएगा, नहीं है तो फिंगर पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मेरे आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है तो हम OTP सेलेक्ट करके गेट OTP पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं OTP सेंड हो चुका है, तो यहाँ पर हम OTP यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP मेरा आ चुका है, चलिए हम इसको हम तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं OTP में फिल कर चुके। फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने में यहाँ पर देख सकते हैं बोल रहा है बेनिफिशरी मेरा बेनिफिशरी PMJID इज नॉट लिंक विद आधार। मेरा यहाँ पर अभी तक आयुष्मान कार्ड भी बना नहीं है, यहाँ पर मेरा लेबर कार्ड भी नहीं बना है, इस वजह से हम अपना यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर सकते। जिसका यहाँ पर लेबर कार्ड बना हुआ है उसका यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर जिसका भी लेबर कार्ड बना है उसका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।